ये पंद्रह कम छः सौ के महर को पंद्रह कम छह सौ का क्या कहते तो फातिमा का महर कते कौन तुम्हें जब देख लगा कि पंद्रह कम छह सौ यानी पाँच सौ अस्सी पर पांच रुपये जाको तोड़ा को ना पाँच सौ अस्सी पर पांच रुपये में तुम्हें फिर दो सल बैठ तो ये खाना नहीं खा सकते तुम तो। तुम्हारी बीवी इतनी गिरी पड़ी हो गई क्या तुम्हारी नजर में उन्हें कितना बड़ा रहा तो भी पंद्रह कम छ सौ सो दस हाँ काजी साहब हल्दी लगा को क्या काली पुत देते उन्हें पंद्रह कम छः सौ देता अल्लाह माफ़ करे क्या करेंगे उम्मत के बड़े तब क्या हैं ऐसे काम करते हैं तो हमें क्या है बहुत अफसोस होता है कि कौन पैगाम देगा आवाम को अल्लाह के रसूल नॉर्मल पाँच सौ दिए हैं पाँच सौ हमेशा से और 500 सौ द्रम आज के तकरीबन बनते हैं तकरीबन 75,000 या 1 लाख हर बीबी को जो दिया अल्लाह के रसूल सल्लाम ने तो 500 सौ द्रम दिया अच्छा एक चीज जो मशहूर कर दी गई है फातिमा फातिमा का मेहरब हजरत अली ने जो दिया वो भी तकरीबन क्या है सत्तर हजार के करीब होता है जबकि उनके पास कुछ नहीं था हाँ जब आए थे शादी के लिए तो पूछा फातिमा के लिए हाथ मांगने आए हो चेहरे से पहचान लिया अल्लाह के रसूल ने अतली ने कहा कि हाँ अल्लाह के सो तो डर रहा था मैं कहाँ फातिमा कहाँ रखी अल्लाह कहीं आप इनकार तो नहीं कर देंगे फिर भी दिल में ख्वाहिहिश थी कि फातिमा मेरी बीवी बन जाए तो कहा कि अच्छा तुम चाहते हो निकाह हाँ कहा कि अच्छा हर को क्या रखा है ये नहीं पूछा मैं क्या देना तुझे पूछा तुम्हारे पास क्या है कहा कि अलग रसूल आप तो जानते ही हैं मेरे पास कुछ नहीं है मैं तो आपका जजाजात भाई हूं कजिन हूं आप मेरी हालत अच्छी तरह जानते है. मेरे पास क्या है ना कुछ जमा करके रखा हूं ना है कोई कहा कि कुछ भी नहीं है कहा कि कुछ नहीं है कहा कि अच्छा जो जंग बदर में एक ज़रा आई थी एक वेस्टकोट होता था जो कि क्या है जंग से बचाव के लिए लोहे का पहना जाता था जिसे ज़रा बोलते हैं तो वो गनीमत में आई थी हज़रत अली के जंग बदर में जंग बदर के बाद शादी हुई फ़ौरी तौर पर तो तीन महीने के बाद तो कहा कि वो जंग बदर में जो ज़रा तुम्हारे हिस्से में आई वो क्या हुआ कहा कि अल्लाह के रसोल वो तो जंगी सामान है वो रख के मैं क्या करूँगा वो कहाँ से दूंगा मैं वो तो एक जंग का सामान है मैंने उसे माल ही ख्याल नहीं किया मसलन तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास एक शिठ है तो आप बोलेंगे मेरे पास शिट है नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक लिबास है तो इस वास्ते कहा हजरत अली ने कि मैंने सोचा ही नहीं कि वो मेरे पास एक क्या की है वो तो एक जंग का लिबास है कहा कि उसी को बेच के क्या है मेहर ले आओ तो ये निकले रास्ते में हजरत उस्मान मिल गए पूछा अली कहाँ तेजी से जा रहे हो कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं अल्लाह के रसूल ने मान लिया हज़रत फाशिमा शादी होने वाली है मेरी लेकिन देने को कुछ नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये ज़रा बेच दो तो मैं मेहर देने के लिए क्या है तैयारी करने जा रहा हूँ कहा कि अच्छा कितने में बेचते हो कहा कि जो अच्छी कीमत देगा तो क़ीमत बातचीत हुई तो हज़रत अली ने कहा कि चार सौ अस्सी दिरहम पर मैं बेच देता हूँ तो हज़रत ऊस्मान ने कहा किलो चार सौ अस्सी द्रह मैं ही खरीद लेता हूँ हजरत ऊस्मान ने वहीं ख़रीद ली अब चार सौ अस्सी धरहम तकरीबन पाँच सौ द्रह से बीस दिरहम कम होते हैं और चार सौ अस्सी द्रह का क्या है कीमतन अगर लगाओ तो वही लगता है सत्तर अस्सी हज़ार जो वो ला के हज़रत फातिमा का मेहर दे देते दे हैं अल्लाह के रसूल सल्लम के पास असल में हजरत ऊस्मान हज़रत अली की उस वक्त मदद करना चाहते हैं लेकिन अगर वो ये कह के, के देते कह लो मैं महर दे देता हूं तुम्हारी तरफ से ये ले जा के रसूल को दे दो तो हजरत अली को दुख हुआ हजरत अली सोचेंगे कि क्या है मैं गरीब हूं तो देना भी था और ये जताना भी नहीं था कि तुम गरीब हो तो हजरत उस्मान ने ये प्लानिंग की कि उसको खरीद लिया और तोहफतन फिर दे दिया लो भाई जरा तुम रख लो ये तोहफतन मैं दे रहा हूं आपके लिए मदद करो तो ऐसे करो हम दस रुपये देते दस बार बोल के बताते मैं दिया नहीं तुझे हाँ, पानी पानी हो जाना शर्म से कई को पूछ को लिया कि इसके पास से बोल को वो भी आयन वक्त ने बोलता कब नहीं बोलना कि वहाँ बोलता भले से डर लग रहा था इससे को ना ही क्या क्या मुँह ना बोलिंग ना बोलता बराबर सब लोग के सामने बोलता भाई जिदिया सो से उसे आकर ले खड़ा था दरवाजे पर क्या करना दिया पूरा सवाब गया कुछ नहीं मिलता उसे ज्जत नफ्स का ख्याल रखो लोगों इंसानों का यह सबसे बहुत अहम फजीलत वाला अमल है टॉर्चर ना करो लोगों की इज्जतों से ना खेलो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो दूसरों को ना उन की इज्जतें सबसे ज्यादा क्या है महफूज रहने का अपने आप से क्या है मुतालबा करती हैं इसीलिए के रसूल ने फरमाया किसी मुसलमान की इज्जत किसी मुसलमान के इज्मत लूटना तुम पर हराम है तुम्हें क्या हक हाँ पहुंचता है कि तुम उनकी इज्जतों से खेलो तुम्हें क्या हक हाँ पहुंचता है कि तुम उनके ऊपर क्या रिमार्क करो तो कभी तुम्हें देने का मसला है कोई दोस्त है तो ऐसे तरीक़े से दो कि उसे ना लगे कि तुमने उसे गरीब समझ के दिया है उसे लगे कि ये दोस्त है जो मुझे हेल्प कर गया तो हज़रत उस्मान ने वैसे ही किया जब ये पैसा ला के अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास दे दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब महर तो अदा हो गया अब तुम जाओ इस मेहर के पैसों में से थोड़ा पैसा फिर अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को दिया कहा कि जाओ फ़ातिमा को खुशबू पसंद है और दो तीन क्या हैं कपड़े ले लो रिवायतों में आता है कि एक चादर दी और दो क्या हैं खजूर के पत्ते जुड़े हुए तकिए दिए और एक चक्की दी ताकि क्या है पीस कर क्या है आटा वगैरह क्या है? बना सकें अब ये सब चीज़ें कहा कि ये सब क्या है तुम जोड़ो फ़ातिमा के लिए अभी इस चीज को रख के लोगों ने क्या कर दिया अल्लाह के रसूल भी दिए नहीं अपनी बेटी को जैसे वो उनके उस जमाने के मुताबिक दिए हमें इस जमाने के मुताबिक देते हैं वॉशिंग मशीन टी वी कार बाइक अरे बेवकूफ तुझे मालूम नहीं है तू जाहिल है तू सीरत की किताबों में पढ़ अल्लाह के रसूल ने अपने पैसे से एक कोड़ी भी लेके नहीं दिया जो जहेज दिया का नारा लगाते हैं वो जहेज दिया लेकिन वो जहेज था या नहीं था ये दूसरी बात लेकिन जो दिया वो मेहर के पैसे से दिया जो हजरत अली के दिए थे अपने पैसे से नहीं तो तुझे कार होना बंगला होना नोली होना नोला होना क्या है बड़े बड़े क्या है आपके इससे फर्नीचर होना तो पहले मेहर अदा कर जागो बाप को लाखों रुपए का कर बात बोल वो पैसा में से मुझे ले लगा को रखो फ्रिज ये बोले तो वो बराबर उन्होंने उसके पैसा में से लिख देते नहीं बच्ची बोलती है मेरा मेहर तो आ गया बा मेरे शोहर के वास्ते क्या एक अच्छा क्या है एक पलंग भी एक बीरो सब ले कर मेरे रूम में रख डालो तो बापला को रखता है वैसा ही हुआ एक रुपया भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया जो चीज़ें जहेज़ के तौर पर रिवायतन आई हैं कि एक चक्की दो क्या तकिए एक चादर और एक लोटा वजू के लिए खुशबू थोड़ी सी ये जो कुछ भी लिया ये हजरत फातिमा का महर तज हज़रत अली अदा कर चुके थे जहेज़ का कोई तस्वर इस्लाम में नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है तस्वर यह हिंदुवाना रस्म है जो हमारे अंदर आई है आपको अगर जहेज के नाम पे देना ही है तो पहले दुल्हा से मेहर मुकर करके पैसा ले लो फिर इसके बाद उस पैसे से क्या खरीद के दे दो उसको क्या चाहिए देता क्या देखेंगे हाँ नहीं देगा मेहरिज कहां देता भाई